हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल दे विच तुहाडा सारिआं दा मेरे वल्लों बहुत बहुत स्वागत है। सो आपां लॉजिक गेट्स का अगला लैक्चर अज देखण जा रहे हाँ। सो अज है लैक्चर नंबर 4। सो इस तो पिछले लैक्चर च आपां गल कीती सी दो गेट्स की। आपां बेसिक गेट्स शुरू किए सी जिहदे विच आपां और गेट, एंड गेट ते नॉट गेट, ये तीनों गेट्स बारे आपां पढ़िया है। और आपां पिछले लैक्चर शुरू किया सी मतलब कि आपां ये गेट्स नूं किद्दां फैब्रिकेट कर सकते हाँ या किद्दां बना सकते हाँ यूजिंग द डायोड्स या फिर ट्रांजिस्टर्स। सो पिछले लैक्चर च मैं दो गेट्स तुहानूं दसे, एक सीगा और गेट और दूसरा एंड गेट। दोनों दे विच आपां की सी दो दो डायोड्स यूज़ कीते सी। दैन डायोड्स नूं यूज़ करके की है आपां पूरी जिहड़ा ट्रुथ टेबल हुंदा है अपने कोल जिहदे विच आपां चार इनपुट कॉम्बीनेशनस लैंदे हाँ और उहदे कोरसपोंडिंगली अपने कोल चार आउटपुट्स आउंदियां ने। सो उह सारा उहदे नाल नाल मैं समझाया कि आपां ये आउटपुट्स उत्थों किद्दां लै सकदे हाँ। सो दो गेट्स अपने फिलहाल हुण तक हो चुके ने। हुण अगला जिहड़ा एक होर अपना बेसिक गेट है दैट इज़ द नॉट गेट, उहनूं अज आपां डिस्कस करांगे। सो आपां हुण स्टार्ट करदे हाँ अपने अज दे पहले टॉपिक दे नाल, दैट इज़ नॉट गेट। हुण नॉट गेट दा जो स्ट्रक्चर मीनस कि आपां नूं किद्दां फैब्रिकेट करना है, किवें फैब्रिकेट करांगे, मैं दस्सिया सी या तां आपां डायोड्स यूज़ करदे हाँ या फिर आपां ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हाँ। हुण पिछले दोनों दे विच आपां की है डायोड्स यूज़ कीते, लेकिन इस केस दे विच की है मैं एक ट्रांजिस्टर यूज किया है। ट्रांजिस्टर केड़ा है, दैट इज एन पी एन ट्रांजिस्टर। हुण डायोड दे विच की हुंदा है पी एन जंक्शन, मतलब एक पी टाइप और एक एन टाइप मटीरियल आपस दे विच की हुए हुंदे हन, फ्यूज हुए हुंदे हन, मतलब पी टाइप सैमी कंडक्टर, एन टाइप सैमी कंडक्टर, उन्हां नूं आपस फ्यूज किया हुंदा है, दैन दैट इज अ पी एन जंक्शन, मतलब आपस एक जंक्शन बन जाता है सेंटर दे विच, उन्हूं आपां पी एन जंक्शन बोलते हाँ। एन पी एन और पी एन पी ये की हन दो टाइप्स ने ट्रांजिस्टर्स दीआं। एन पी एन दे विच की हुंदा है आस पास एन टाइप सैमी कंडक्टर्स और विच आपां की है पी टाइप सैमी कंडक्टर लैंदे हाँ। पी एन पी की होएगा आस पास पी टाइप सैमी कंडक्टर्स और विचकार की होएगा एन टाइप, और आपां उन्हां दे विचों एक एग्जाम्पल लई है, दैट इज वी आर यूजिंग एन पी एन ट्रांजिस्टर। और जिवें कि तुहानूं पता होएगा ट्रांजिस्टर बारे कि इहदे विच की हन तीन टर्मिनल्स, एमिटर ई दे नाल शो कीता है, बेस एंड कलैक्टर नाले एरोहेड। सो आई सपोज कि तुसी ये सारा पढ़िया होया है, बिकॉज इस तो पहला तुसी ट्रांजिस्टर बारे जरूर पढ़िया होएगा, फिर ही आपां की है लॉजिक गेट्स की गलबात कर सकते हाँ। दैन डायोड्स वो भी तुसी ऑलरेडी पढ़े ने, हुण ट्रांजिस्टर्स, सो इहदी वर्किंग बारे तुहानूं पता है। जस्ट हुण मैं की है गेट समझावांगी कि आपां इहदे थ्रू या इहनूं यूज़ करके नॉट गेट किद्दां बना सकते हाँ। दैन नॉट गेट दे लई की है, सो नॉट गेट नूं थोड़ा जिहा आपां रिकॉल करिए कि आपां पढ़िया सी नॉट गेट दे विच कि एक तां वन इनपुट एंड वन आउटपुट, और दे विच और एंड दे विच की सी जिहड़ी इनपुट सीगियां टू या मोर दैन टू इनपुट्स हो सकदियां सी, आउटपुट एक हुंदी सी। लेकिन नॉट गेट दे विच की है एक डिवाइस है जिहदे विच इक्को ही इनपुट और इक्को ही आउटपुट आपां नूं मिलदी है, रिसीव हुंदी है। दैन इहदा जिहड़ा सिंबल शो कीता सी मैं, लॉजिक सिंबल, ओह की सी, दैट इज सो एक इनपुट एंड एक आउटपुट, नॉट गेट द लॉजिक सिंबल। दैन ए बुलियन एक्सप्रैशन आप देखा सी, बुलियन एक्सप्रैशन की होएगा आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए दे उपर बार, मतलब जब आप बुलियन अलजैबरा बार की गल करते हाँ कितने भी, इनू कई बार कॉम्पलीमेंट भी कह दिता जाता है। सो ए बार ए दे उपर लगाई आप, मतलब है इनू आप किस तरह रीड करते हाँ। सो इट इज रेड एस कि वाई इक्वल्स नॉट ए, नॉट ए। सो यह हो गया इहदा बुलियन एक्सप्रैशन। हुण आईए आपां ट्रुथ टेबल ते, हुण ट्रुथ टेबल दे नाल ही आपां की है इहनूं भी डिस्कस करांगे। सो इहदी मतलब जिहड़ी फंक्शनिंग है उहनूं आपां हुण देखण जा रहे हाँ कि किद्दां इह काम करेगा। सो ट्रुथ टेबल्स की होणगियां, सो इक्को ही इनपुट है और उहदे कोरसपोंडिंगली आउटपुट आएगी। किहड़ियां किहड़ियां इनपुट कॉम्बीनेशनस हो सकदियां हन, पॉसिबल की है या तां जीरो या फिर वन, और आपां नूं ऑलरेडी पता है निगेटिड, मतलब आप बोलते हाँ कि दिस इनवर्ट्स द इनपुट, नॉट द ही मतलब है कि जो इनपुट होंगी उन्होंने इनवर्ट कर देता है। सो दैट इज़ वाई जीरो आफ्टर निगेशन अपने को आउटपुट्स की आएगा वन, और वन का अपने को आउटपुट्स की आना चाहिए है जीरो आना चाहिए है। हुण यही आउटपुट्स आप इतने देखेंगे कि अपने को यही चीज़ा आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सो अगर आ रही हैं दैट मीनस ये जरा सर्कट मैं ड्रॉ किया है किस तरह काम कर रहा है, एक नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। सो ये पहले आप देखिए की लिया,
ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ 5 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਲੈਵਲ 1 ਲਿਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਵਲ 0। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, NPN ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ। ਸੋ 3 ਟਰਮੀਨਲਸ, ਐਮਿਟਰ, ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਰੂ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ RB। ਬੀ ਫੋਰ ਕਿ ਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਆਫ 5 ਵੋਲਟ, ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ RC, ਸੀ ਫੋਰ ਕਲੈਕਟਰ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਟਰਮੀਨਲ ਬੇਸ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਤੇ। ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ, ਵਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 by 1 ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 0 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ, 0। ਏ ਨੂੰ 0 ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਰਥ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੇਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਰਾਊਂਡਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਐਮਿਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ ਐਮਿਟਰ, ਇੱਕ ਬੇਸ ਐਮਿਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਕਲੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਐਮਿਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋਏਗਾ। ਐਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NPN ਹੈ, ਸੋ NP ਅਤੇ ਐਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਐਮਿਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, NPN। ਸੋ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ। ਸੋ ਪੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸ ਐਮਿਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਬੇਸ ਐਮਿਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸ ਕਲੈਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਮਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਟਰ ਕਰੰਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? 0। ਸੋ ਇਮਿਟਰ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਐਗਜੈਕਟਲੀ 0। ਔਰ ਇਮਿਟਰ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਸਮ ਆਫ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਮਿਟਰ ਕਰੰਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹੀ 0 ਹੈ, ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਵੀ 0 ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 0, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਟਰ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਸਮ ਆਫ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ। ਦੀਸ ਟੂ ਆਰ 0, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 0। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟਸ ਕੀ ਹਨ? ਦੇ ਆਰ 0। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਰੰਟਸ, ਐਮਿਟਰ, ਬੇਸ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟਸ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹਨ? ਦੇ ਆਰ 0। ਦੈਨ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਪ, ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰੋਪ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਆਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੈਟਰੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ? 5 ਵੋਲਟ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਵੋਲਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ
ग्राउंड सो सी दे ऊपर वैल्यू कितनी है वोल्टेज दी 5 वोल्ट सी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप चेक कर रहे हैं सो वही चीज़ आपको की है आउटपुट दे विच मिल रही है सो 5 वोल्ट आप एज लैवल मतलब लैवल की टर्म्स के आप बोलीए दैन आप लिखते हाँ दैट इज टर्म्ड एज बिट वन ठीक है सो यह अपना फर्स्ट केस सैकेंड है आप वन सो उन्होंने लैवल वन पर रखना है लैवल वन पर रखने के लिए आप ए जॉइन करते हाँ विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी सो दैट मीनस आप ए की वैल्यू कितनी रखी है ए इज इक्वल टू वन सो वन करने के हो जाएगा अपना जब आप प्लस के जॉइन करता सो इतने की है एन पी एन मतलब एमिटर बेस से कलैक्टर एन पी एन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हाँ सो एन पी एन सो पी कि कनैक्ट हो गया पॉजिटिव के नाल केड़ी बायसिंग हुई फॉरवर्ड बायसिंग सो इतने जरा अपना बेस एमिटर जंक्शन है की हो गया फॉरवर्ड बायस सो इतने की सी फॉरवर्ड बायसिंग नहीं हो रही सी बेस एमिटर जंक्शन दी की हो रही है इतने फॉरवर्ड बायसिंग सो फॉरवर्ड बायसिंग करके सम अमाउंट ऑफ करंट की इतने फ्लो करूगा सो आई ई दी वैल्यू जो एमिटर करंट है वो जीरो के बराबर नहीं है सो आई ई जीरो नहीं है दैट मीन्स देर विल बी सम अमाउंट ऑफ बेस करंट एंड कलैक्टर करंट ऑल्सो और जेडे अपने को दो रेजिस्टेंसेज ने आर बी ते आर सी ये आप इस तरह चूज करते हाँ इस पूरे सर्किट अरेंजमेंट दे विच कि जो अपने को ए वाली स्टेट है जब आप ए नू वन किया है दैन इन दैट केस जब फॉरवर्ड बायसिंग होएगी इन दिस जंक्शन बी ई मीनस बेस एमिटर जंक्शन दैन जो कलैक्टर करंट की वैल्यू होएगी दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज बिकॉज आई ई की भी कुछ वैल्यू है आई बी की भी कुछ वैल्यू होएगी दैन सम अमाउंट ऑफ कलैक्टर करंट वो भी फ्लो करेगा दैन रेजिस्टेंसेज इस तरह चूज किए हैं कि जो आई सी होगा कलैक्टर करंट वो बहुत हाई वैल्यू होगी और इस स्टेट नू आपा की बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मीन्स बहुत हाई अमाउंट ऑफ की है कलैक्टर करंट इतने फ्लो करेगा सो जब कलैक्टर करंट इतने फ्लो करेगा कलैक्टर करंट सो इतने की है रेजिस्टेंस आर सी दैन अक्रॉस आर सी एक आ वाली बैटरी है अपने को 5 वोल्ट की वो करके उत्थे एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट हूँ इतने फॉरवर्ड बायसिंग होन करके करंट फ्लो हो रहा है वो करके भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस दैट इज ऑलसो 5 वोल्ट जस्ट डिफरेंस की है दोनों की जी डायरेक्शन होएगी दैट विल बी ऑपोजिट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 5 वोल्ट 5 वोल्ट जस्ट डिफरेंस की है कि एक जरा ये करके अपना पोटेंशियल ड्रॉप होना है अक्रॉस आर सी एक होर जरा ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ बेस एमिटर जंक्शन जरा करंट पास हो रहा है जो रेजिस्टेंस जो पास होगा अगेन की होगा उत्थे वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 वोल्ट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन दैन अपने को इतने की है सी टर्मिनल के उत्ते जरा एग्जैक्टली जरा अपने को आंसर बचूगा या वोल्टेज वैल्यू जिनी होगी वो की होगी दैट विल बी जीरो सो जीरो विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ और वही वैल्यू आपू 0 वोल्ट वैल्यू की मिलनी है एज आउटपुट सो आउटपुट अगर 0 वोल्ट आया दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ लेवल उन्होंने आप लिखांगे की डेजिग्नेट करांगे एज जीरो सो ये जस्ट दो ही केसेस ही जो आप ए नू 0 करांगे और ए नू आप 1 रखांगे सो ए की है सर्किट जरा पूरा ड्रॉ किया है एक नॉट गेट की तरह एक्ट कर रहा है एक नाल एनालॉग सिग्नल भी अगर देखिए बहुत ही ईजी एनालॉग सिग्नल है यदा सर्किट सॉरी सो उदे च मैं इत्थे स्विच ज्वाइन कर रही हाँ और इधर मैं आउटपुट बल्ब शो करांगी सो ये हो गया इहदा एनालॉग सर्किट एनालॉग सर्किट किस तरह हुण पहले तैनू अगर कंक्लूड करना होवे कि रिजल्ट आ रहा है कि नॉट गेट दे केस दे विच अपने को लैवल वन कदों आता है ओनली वैन द इनपुट इज एट 0 लैवल एंड वाइस वर्सा मतलब अपने को आउटपुट 1 कदों आऊगी जदों इनपुट इज एट 0 लैवल या फिर अपने को आउटपुट 0 कदों आऊगी वैन आउटपुट इज एट लैवल 1 सो एक दूसरे का उल्टा है सिमिलरली हुण इत्थे की है अपने को इस स्विच दियां दो स्टेट्स ने ऑन ऑफ स्टेट सो जो ये जिहड़ी स्विच होएगी ऑफ स्टेट्स होएगी मतलब आपां ओपन रख्या है इनू दैन इन दैट केस अपना बल्ब की है ग्लो करेगा बिकॉज अपना आ वाला सर्किट आ वाला जिहड़ा है उदों वर्क नहीं कर रहा जो आप स्विच नू ऑफ किया होया है दैन इन दैट केस बल्ब विल ग्लो और इनू ऑफ रखने का की मतलब है आप इनू केड़ी इनपुट दे रहे हैं इनपुट 0 ऑफ मीन्स 0 आउटपुट की आ रही है 1
दूजे पासे अगर आप इन क्लोज कर दईए दैन आह वाला भी की है अपना विच इनकलूड होगा, दैन इन दैट केस जो अपना बल्ब है वह की है ग्लो नहीं करेगा बिकॉज उन्होंने जिनी रिक्वायरमेंट है ग्लो करन दे लई, सो आप जिनी इतने वोल्टेज दे रहे हाँ वह की है दैट विल नॉट बी सफिशियंट। सो इनू ऑन करनते मीनस इनू आप जब लैवल वन दिता दैन अपना बल्ब की है ग्लो नहीं कर रहा, सो ये की हो गया यदा एक एनालॉग सर्कट। सो ये अपना सी नॉट गेट की थोड़ी डिस्कशन। नैक्सट अपना एक टॉपिक है आप देखा कंबीनेशन ऑफ गेट्स, हूँ आप जो बेसिक तीन गेट्स पढ़े ने उन्होंने कंबाइन करके आप डिफरेंट डिफरेंट गेट्स बना सकते हैं। सो आप स्टार्ट करिए। सो नैक्सट आप हम देखा अगला टॉपिक दैट इज कंबीनेशन ऑफ गेट्स। कंबीनेशन थोड़ा क्लीयर होएगा, कंबीनेशन मीनस आप कंबाइन करा डिफरेंट डिफरेंट गेट्स कि तीन बेसिक गेट्स की ही गल करा और एंड ते नॉट उन्होंने कंबाइन करके आप की है नवे गेट्स की फॉर्मेशन कर सकते हाँ। सो आप चीज़ हूँ पढ़नी है। सब तो पहला जो आप गेट पढ़ा दैट इज नैंड गेट, NANDD नैंड गेट। सो बहुत ही ईजी है। सो इन याद किधर रखा आप यूज करना है एक एन एक एंड, एंड मीनस एक तो एंड गेट यूज होगा, एन कि यूज किया है आप नॉट के लिए, सो नॉट के अगर कैपिटल एन हों। सो नैंड गेट की फॉर्मेशन किदा हो सकती है, सो अगर आप एक एंड गेट लिया वो जी आउटपुट आ रही है वह आप अगे दे दईए कि गेट न नॉट गेट न, मतलब नॉट गेट की इनपुट के आउटपुट देनी है एंड गेट की, दैन जो फाइनली अपने को रिजल्ट बनेगा वो की होगा दैट होल सिचुएशन दैट होल गेट इज कॉल्ड एज नैंड गेट। सो इन मैं इतने ड्रॉ करा, पहला आप एक एंड गेट लीए, ये लॉजिक सिंबल है। सो दो इनपुट्स ली हैं मैं वो ए एंड बी, वो आउटपुट आई मान लो की है वाई डैश। सो वो आउटपुट न मैं अगे कि फीड करना है नॉट गेट न, सो ये मैं ड्रॉ किया नॉट गेट, फाइनली जी अपने को आउटपुट आई दैट इज वाई, दैन दैट होल सिंबल मतलब यह सारा किनू रिप्रजेंट कर रहा है दैट इज अ नैंड गेट। इनू अगर आप इकट्ठा शो करना होठे आप यदा लॉजिक सिंबल इस तरह शो करते हाँ। सो इतें एक आप इस तरह इतने एक बबल शो करा, तो बाकी बिल्कुल सेम ए बी और आउटपुट की आऊगी वाई। सो किते भी अगर ये ड्रॉ किया होएगा दैन क्लीयर है कि है कॉम्बीनेशन ऑफ एंड एंड नॉट। सो एंड उदी आउटपुट नू कीनू दिता एक नॉट गेट नू, जो रिजल्ट आया दैट इज वाई। सो इनू आप इदा रिप्रजेंट करते हैं दैट इज़ द लॉजिक सिंबल ऑफ नैंड गेट। सो नैंड गेट के एक तो हो गया अपना लॉजिक सिंबल, सैकेंडली अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन की गल करिए, सो बूलियन एक्सप्रेशन आप कि लिखा हूँ जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट दे विच एक तो पहला केड़ा ऑपरेशन लाया आप एंड द ऑपरेशन, सो ए डॉट बी, एक होर ऑपरेशन लाया नेगेशन का, सो ए की हो गया बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ अ नैंड गेट। बहुत सिंपल है, पहला आप ऑपरेशन लाया सी एंड का, सो मैं लिखता ए डॉट बी, दैन केड़ा ऑपरेशन लग्या उदी आउटपुट ते दैट इज़ द नॉट ऑपरेशन जिन्हों आप शो करते हाँ एक बार दे नाल। हुण आईए ट्रुथ टेबल ते, ट्रुथ टेबल किदा ड्रॉ करांगे, सो इन्हां दोनों दे ट्रुथ टेबल्स नू यूज़ करके आप नैंड का ट्रुथ टेबल बना सकते हाँ। अपने कोल है ए बी पहला वाई डैश, सो नाल ही मैं इत्थे वाई भी शो करा वाई, सो पॉसिबल इनपुट कॉम्बीनेशनस then and means multiply 0 0 0 and 1, so apanu pata hai, so y dash apne kol ki aa raha hai eh sariyan outputs, y means hun oda negation lena hai, so negation means inu ulta karange invert karange, so 1 1 1 0, so agar directly na yaad hove then apa truth table apa ida is tarah bana sakde ha, otherwise hun jehda truth table bane apne kol nand gate da that is for two input combinations। सो इतने मैं वाई यूज़ करा, पहले मैं ये ट्रुथ टेबल बनाया सी, हुण मैं जस्ट इस फिगर दे लई बना रही हाँ, सेम ही रिजल्ट है दैट इज़ 0 0 0 1 1 0 1 1, सो दैट इज़ द फाइनल ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। की रिजल्ट आया सी 1 1 1 0। सो अगर नहीं याद रहा दैन आप पहला ए यूज़ करके मतलब एंड द ऑपरेशन लगा के फिर वो नेगेशन द ऑपरेशन लाता नॉट करता वह, फिर अपने को ए ट्रुथ टेबल बन जूगा, मतलब अगर सीधा नहीं याद रहा दैन ज़्यादा रट्टा लाने की लड़ नहीं है आप ये तो ये चीज़ बना सकते हैं। सो ये अपना पहला दैट इज़ द
नैंड गेट। अगला हुण आपां पढ़ांगे दैट इज नॉर गेट। नॉर नाम तो ही क्लीयर हो रहा है, नॉर दे विच की होगा और, तो उहदी आपां जिहड़ी आउटपुट है किनू देवांगे टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट। सो हुण नैक्सट गेट की गल करिए आपां। पहला आपां गल कीती सी नैंड की, हुण है अपने कोल नॉर। ये भी बहुत सिंपल है, और ते नॉट गेट का कॉम्बीनेशन। सो एक और गेट, दो इनपुट्स ए ते बी, इहदी जिहड़ी आउटपुट आई मान लो दैट इज वाई डैश, उहनू किहदी इनपुट बनाता आपां एक नॉट गेट की। सो यूज कीता मैं नॉट गेट, दैन अपने कोल एज आउटपुट की आ रहा है वाई, दैन ये सारी चीज़ किनू रिप्रजेंट कर रही है दैट इज़ अ नॉर गेट। बहुत ही सिंपल, और प्लस नॉट द कॉम्बीनेशन। इनू भी अगर आप सर्किट सिंबल ड्रॉ करना हो नॉर का, मतलब बजाय कि कॉम्बीनेशन शो करन दे आपां सीधा इहदा सर्किट सिंबल देना होवे, इहदे लई आपां अगेन की करांगे और दे सामने एक बबल, जिवें पहला आपां नैंड दे विच एंड गेट दे अगे एक बबल लगाई सी, हुण आपां और दे सामने एक बबल यूज करांगे। बाकी दो इनपुट्स एंड वन आउटपुट। हुण अगेन आपां इहदी गल करिए कि इहदा ट्रुथ टेबल की होएगा या बूलियन एक्सप्रेशन की होएगा। बूलियन एक्सप्रेशन होएगा इहदा वाई इक्वल्स टू, सो अपने कोल आउटपुट्स की आ रहा है, दो इनपुट्स ही गिया, उन्हां दा पहला और होया, सो और दे लई आपां प्लस साइन यूज करदे हां। सो दो इनपुट्स दा आपां ऑपरेशन लगाया और दैन उहनूं आपां की करता नॉट गेट दे थ्रू पास करवाया, मीन्स उहनां दी निगेशन। ठीक है, सो दैट इज़ द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। इहनूं आपां इस तरह भी रीड करते हाँ दैट ए और बी निगेटिड, ए और बी निगेटिड। उसी तरह जब आप नैंड गेट के देखा सी, नैंड गेट के अपने को ए डॉट बी के उपर निगेशन सीगा, उन्होंने आप कि रीड करा ए एंड बी निगेटिड। सो इन रीड करने का तरीका है, सो ए और बी निगेटिड दैट इज़ द बूलियन एक्सप्रैशन फॉर नॉर गेट। ट्रुथ टेबल से आइए, सो जिमें मैं पहला ही किया नैंड के पहला यदा ट्रुथ टेबल बना सकते हाँ, फिर ये ट्रुथ टेबल से आवेंगे आप। सो ये भी उ सारिया इनपुट कॉम्बीनेशन लेंदे हुए ए B, y dash, last, y, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ते 1, 1. ठीक है, सो और ऑपरेशन लाना है मीन्स एडिशन। 0, 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, एंड इन बूलियन अलजैबरा मैं थोड़ा समझाया सी जब पहला लैक्चर से अपना अलजैबरा दे विच जब आप एडिशन की सी, बूलियन अलजैबरा दे विच 1 प्लस 1 की होंदा है 0 विद कैरी ऑफ 1, दैन आप इत्थे की लिखते हाँ इहदा आंसर 1 इन केस ऑफ बाइनरी एडिशन। सो बिकॉज आप बिट्स की ही गल कर रहे हैं, बाइनरी एडिशन हो रही है, दैन 1 प्लस 1 इत्थे 2 नहीं लिखना बिकॉज आप बिट्स सिर्फ 0 और 1 दे विच ही डील कर रहे हैं, सो दैट विल बी लैवल 1। हुण इस तो बाद निगेशन की, निगेशन मीनस 0 की जगह 1, सो 1 का निगेटिड आंसर 0, 0, 0। देन फाइनल ट्रुथ टेबल की बन गया अपना फॉर दिस 0 1 1 0 एंड 1 1। सो जस्ट मैं तां दस रही हाँ कि अगर तुसीं नहीं याद रख सकते इनू, देन आपां इत्थों इत्थे पहुंच सकते हाँ। देन अपने कोल आउटपुट्स की ने 1 0 0 0, देन ए की है ट्रुथ टेबल ऑफ अ नॉर गेट। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लॉजिक सिंबल ड्रॉ करो, सो लॉजिक सिंबल ए ड्रॉ करांगे आप, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करो, ट्रुथ टेबल ए वाला ड्रॉ करांगे। ए जस्ट समझा रही हाँ कि ट्रुथ टेबल बनया किदा है, सो किदी कॉम्बीनेशन दे नाल ए वाला गेट अपना बन रहा है। सो ये अपना दूसरा गेट। हुण एक गेट की होर गल करते हाँ आप, दैट इज एग्ज ऑर गेट, एग्ज ऑर गेट। सो नैक्सट अपनी कॉम्बीनेशन ऑफ गेट की है दैट इज़ द एग्ज ऑर गेट। एग्ज ऑर गेट दे विच की है आपां तीनों बेसिक गेट्स यूज करांगे, मीनस ऑर गेट एंड गेट ते नॉट गेट तिन्ना नू यूज करके आपां एक नवा गेट बनाया है दैट इज एग्ज ऑर गेट। सो जिवें कि तुसीं देख रहे होंगे बोर्ड ते मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया होया है की यूज किया इहदे च, ऑर गेट भी है एंड गेट्स भी ने ते नॉट गेट भी है। सो इहदे च की है ए ते बी टू इनपुट टर्मिनल्स, सो इहनू भी दे रहे हाँ, लेकिन उही इनपुट आपां इस एंड गेट नू भी दित्ती, उसे तरह बी इनपुट इस नॉट गेट नू देण दे नाल नाल ओही वाली इनपुट ये कोल भी जा रही है। सो सीधी जी गल है ए आफ्टर पासिंग थ्रू दिस अपने कोल इत्थे की आऊगा ए दा निगेशन, सो बी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस अपने कोल की आऊगा बी दा निगेशन। सो एक होर चीज़ इहनू आपां दे रहे हाँ इत्थे बी, सो एंड गेट दी इनपुट्स ये दो चीज़ां जा रही ने, इस एंड गेट दी इनपुट दे विच अपने कोल ये दो चीज़ां जा रही ने, सो जदों इहदे चों पास होणगे एंड ते की आऊगा
y will be equal to inna donna da and operation aur ethe apne kol y double dash kiya hoga inna donna da and operation end te ki reh gaya donna nu apa feed kita hai ek aur gate de vich then y will be equal to inna dono outputs da और ऑपरेशन सो ये अपना पूरा बन गया केड़ा गेट दैट इज एग्स और गेट सो इन एक्सप्लेन करते नाल ही मैं की बना दिता एदा एक्सप्रेशन बनाता सो एक्सप्रेशन अपना हुण की बनया वाई इज इक्वल टू बूलियन एक्सप्रेशन इज ए बार डॉट बी मतलब नॉट ए विच केड़ा ऑपरेशन है हुण एंड दा नाल बी हुण इत्थे और दा ऑपरेशन फिर ए फिर एंड दा ऑपरेशन दैन नॉट बी इन आप इस तरह लिखते हाँ बूलियन एक्सप्रेशन या एक होर तरीका भी है आप ए प्लस साइन पा के एक बबल शो करा दैन बी दैन ये चीज़ भी की है कि रिप्रजेंट कर रही है दैट इज़ द बूलियन एक्सप्रैशन ऑफ एग्ज ऑर गेट सो एग्ज ऑर गेट का एक होर नाम भी है दैट इज़ द एक्सकलूसिव ऑर गेट सो एग्ज ऑर गेट एक्स मीन्स एक्सकलूसिव दैन ऑर गेट कई बार क्वेश्चन इदा पूछ लिया जाता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट सो जस्ट एदी ही शॉर्ट फॉर्म है एग्ज ऑर गेट सो ये एक बहुत ही स्पेशल जी की है प्रॉपर्टी है कि जो जो दोनों इनपुट्स ने और डिफरेंट होन डिफरेंट मीन्स एक जीरो है एक वन है या फिर वाइस वर्सा दैन जो रिजल्ट है वो हमेशा की आएगा लेवल जीरो लेकिन जो इक्वल ने दोनों चाहे दोनों वन लैवल से ने चाहे दोनों जीरो लैवल से ने दैन अपने को आएगा आउटपुट के जीरो सो इधर ट्रुथ टेबल की है अपने को With two inputs A and B, so इनो भी आपा की है उसे तरह draw कर सकते हाँ कि पहला आपा A नू लिया Y की निकलिया then Y dash double dash की निकलिया so ये Y dash है नीचे Y double dash है ये single Y है then आपा एक एक करके check करके end ते पूरा truth table भी बना सकते हाँ मैं सीधा ही लिखन जा रही हाँ A ते B two inputs then Y अपने को finally answer किया होगा so जड़ियाँ चार possible input combinations हमेशा आपा लेने हाँ मैं की दस्या कि यदी प्रॉपर्टी है जिहड़ी आपां नूं याद जे रखांगे तां बैटर है अपने लिए कि जदों वैल्यू डिफरेंट है उदों आउटपुट की आउंदी है इहदे च वन जदों वैल्यू डिफरेंट है दोनों इनपुट सी जदों उहनां दी वैल्यू सेम है दैन आउटपुट की आउंदी है जीरो इहनूं आपां चैक भी कर सकते हाँ कोई एक स्पेसिफिक केस लै लीए चैक कर लीए सो इहनूं अगर आपां यूज़ करिए फॉर केस जीरो वन सो जदों आपां इत्थे अपलाई करांगे सो ए नूं लै लिया जीरो बी नूं लै लिया वन वाई विल बी इक्वल टू सो यदि नेगेशन मीनस वन और नाल की है अपने को बी सो इतने ना लिखते हुए इतने मैं तुम्हें समझा चाहवागी की होएगा इतने सब तो पहले ए नू जीरो लिया इतने आंसर की आएगा ए का निगेशन मीनस वन और बी नू आप की लिया वन सो इतने भी वन सो दोनों इनपुट्स हो गई वन वन हूँ नीचे बी का जब नगेशन लवेंगे मतलब वन का जब नगेशन लवेंगे इतने आया जीरो और ए दी वैल्यू ऑलरेडी जीरो है दैन वो भी इतने की आ गया जीरो सो इस एंड गेट्स दिया दोनों इनपुट्स ने वन वन ए दिया दोनों इनपुट्स ने जीरो जीरो सो आफ्टर अप्लाइंग द एंड गेट अपने को रिजल्ट किया होगा वन वन ज वन जीरो जीरो ज जीरो हूँ दोनों से की लाना है आपा और ऑपरेशन वन प्लस जीरो अपने को आंसर किया होगा वन सो दैट इज वाई आंसर की आ रहा है वन सो बाकी इसी तरह की है आप इतने अप्लाई करके चैक कर सकते हाँ सो ये सी अपना लास्ट गेट सो एक गेट की आप होर गल कर सकते हाँ ये नाल ही रिलेटेड है जस्ट अगर आप एग्ज ऑर की जगह एग्ज नॉर की गल करिए एग्ज नॉर्स की होएगा कि जोड़ा अपने को सर्किट सिंबल होएगा सर्किट सिंबल मैं ड्रॉ नहीं किया दैट इज वाई सो ये हो गया अपना लॉजिक सिंबल फॉर एग्ज ऑर गेट हुण एग्ज ऑर गेट तो एग्ज नॉर गेट ते जाना है इहदा की मतलब है जिहड़ी इहदी इनपुट आ रही है वह आपां किहनूं देवांगे एक नॉट गेट नूं दे दांगे सो जिहड़ी एग्ज ऑर दी इत्थे अपने कोल आंसर आऊगा आउटपुट आऊगी वह अगे आपां किहनूं फीड कर दांगे एक नॉट गेट नूं दैन जिहड़ा रिजल्ट आऊगा सो वह किस गेट का रिजल्ट आऊगा अपने कोल एग्ज नॉर गेट का दैन उहदे अकॉर्डिंग ही अपने कोल जिहड़ा इत्थे आंसर आऊगा सो मैं इत्थे नाल लिखण जा रही हाँ सो अगर उहनूं मैं वाई ट्रिपल डैश लिखा एग्ज नॉर दे लई की आऊगा बिल्कुल एदा उल्टा सो वन जीरो जीरो एंड वन सो बहुत सिंपल जी गल सी
कि एक ही है लॉजिक सिंबल फॉर एग्ज और गेट, एग्ज नॉर गेट की होया कि ये अगे एक होर नॉट गेट ला था, सो आंसर की आऊगा जेडे ये रिजल्ट सीगे उन्हां दा नेगेशन। सो इहदा लास्ट की रह गया इहदा सर्किट सिंबल, सो एग्ज और नू यूज करते हुए जस्ट अगे आप एक नॉट अटैच किया है उहदे करके आप एक बबल शो करांगे, बाकी बिल्कुल सेम। सो ये हो गया अपना एग्ज नॉट गेट उहदा नाल ट्रुथ टेबल। सो नैक्सट आप हुण एक न्यूमेरिकल ट्राई करिए। सो हुण लास्टली आप न्यूमेरिकल देखांगे रिलेटेड टू द गेट्स। पहला न्यूमेरिकल है एक्सप्रेस बाय अ ट्रुथ टेबल द आउटपुट वाई फॉर पॉसिबल इनपुट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट। सो पहला आप सर्किट्स देखिए, अपने को दो गेट्स ने एंड गेट थे और गेट, सो उन्होंने मैं वन से टू मार्क कर लिया। सो ए इतने जा रहा है डायरेक्ट, सो इतने भी आ रहा है डायरेक्ट एंड बी। सो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस गेट अपने को रिजल्ट आऊगा ए डॉट बी, और गेट दे कोल की गया एक ए एज अ इनपुट, एक ए डॉट बी एज इनपुट, दैन अपने को वाई की आऊगा ए प्लस ए डॉट बी। सो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है आप जरा बूलियन एक्सप्रेशन है पहले सॉल्व कर लेंगे, दैन वह ट्रुथ टेबल बनाना अपने लिए होर भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। हम जस्ट बहुत ही सिंपल जी चीज़ रहेगी की करेंगे आप वाई लिखांगे, बट अपन पता है कि वाई की वैल्यू आप कितना कैलकुलेट करनी है। सो वाई तो पहले अगर तुसी एक होर टेबल बना इतने एक कॉलम बनाना हो ए डॉट बी, सो वह भी ऐड कर सकते हाँ। सो आप इनपुट कंबीनेशन लीए 0 0 0 1 1 0 ते 1 1 ए डॉट बी 0 0 0 1। और नैक्सट की रह गया ए डॉट बी देड करा ए नू, सो ए तो ए डॉट बी दे आप और ऑपरेशन लाना है। सो आप यही चेक करना सी कि अपने को वाई रिजल्ट के पॉसिबल केसिज आ सकते हैं। 0 + 0 = 0, अगेन 0, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 1। सो ये अपने को रिजल्ट आ गया ए प्लस ए डॉट बी का 0 0 एंड 1 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिता है सारा कुछ, ये गिवन है आपको क्वेश्चन दे विच कि वट इज़ द आउटपुट वेव फॉर्म वाई। सो आप वाई कैलकुलेट करांगे ऑफ फर्स्ट इज द ऑर गेट एंड सैकेंडली द एंड गेट फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स ए एंड बी। सो जिमें आप गेट के लिए दो इनपुट्स दिने हाँ, एक इनपुट आ गिवन है, एक इनपुट आ गिवन है बी, ए तो बी दो इनपुट्स गिवन ने। हूँ आप इन्होंने लिए पॉसिबल रिजल्ट क्ढने हैं एक ऑर गेट के लिए एक एंड गेट के लिए। हूँ आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स गिवन से, सो मैं उन्होंने एक कॉलम बना लिया। सो T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये सारिया चीज़ा सी। सो एक मैं लिया टाइम इंटरवल लैस दैन T1 बिटवीन T1 T2 T1 T2 T1 T2 T3 T3 T4 T4 T5 दैन T5 ते T6 दैन एक मैं ले लिया ग्रेटर दैन T6। सो ये सारे टाइम इंटरवल्स मैं बना ले। हूँ जिथे का अपने को ए लैवल आ रहा है दैट इज़ रिप्रजेंटिंग लैवल 1, जिथे ए चीज़ है दैट इज़ रिप्रजेंटिंग लैवल 0। सो उदे अकॉर्डिंगली मैं इतने इनपुट वैल्यूज़ भी लिख ली हैं। सो इनपुट वैल्यूज़ जो टाइम घट है T1 तो, सो जो टाइम घट है अपना T1 तो, सो इस पिछे पिछे ए भी 0 है बी भी 0 है, उस तो बाद बिटवीन दिस टाइम ए 1 है बी 0 है, दैन ए 1 है बी भी 1 है, दैन ड्यूरिंग दिस टाइम ए 0 है बी 1 है, ड्यूरिंग दिस टाइम 0 एंड 0, ड्यूरिंग दिस टाइम ए इज 1 एंड बी 0, ग्रेटर दैन T6 के लिए 0 एंड 1। सो मैं ये सारे इतने इनपुट कॉम्बीनेशन लिखते कढ़ना की है आपां और ते एंड दे लई अपना जिहड़ा वेव फॉर्म आएगी वो किद्दां आएगी। सो पहले और ते एंड देखिए, इन्हां ते और ऑपरेशन लाइए ते एंड ऑपरेशन लाइए 0 + 0 1 + 0 1 + 1 0 + 1 0 + 0 1 + 0 and 0 + 1। एंड ऑपरेशन लगाइए 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0। लास्ट स्टेप की रह गया वेव फॉर्म नू आपा शो करना है, मीन्स वाई वेव फॉर्म आपा लेनी है एक और दे ली एक एंड दे ली। सो एक बारी और वाले सारे रिजल्ट्स लवांगे, जदों टाइम लैस दैन T1 है अपने को रिजल्ट की है 0, लैस दैन T1 दे ली रिजल्ट है 0, T1 to T2 दे ली दैट इज 1, दैन अगेन 1, दैन 3 वारी 1 है, सो एक बारी फिर 1 आया, फिर 0 1 1 फिर आऊगा 0,
फिर वन और फिर तो वन। सो नू ज्वाइन कर दीजिए, ये अपनी पूरी बन गई वेव फॉर्म फॉर द और गेट। सो हूँ सेकेंड कम की रह गया एंड गेट। एंड गेट दे ले भी 0 0 1। सो 0 टाइम लेस देन T1 दे ले, देन अपना 1। सॉरी सेकेंड भी अपने को 0 ही है, सो अगेन 0, देन 1। सो ए वाला लेवल शो कीता, देन 0 0 0 0। सो सारे टाइम इंटरवल्स दे ले T3 टू T4, T4 टू T5, T5 टू T6 एंड T greater than T6। तो इनू ज्वाइन करन ते अपने कोल आउटपुट वेव फॉर्म आ गई फॉर एन एंड गेट। सो ऊपर सी अपनी और गेट। सो जनरली ए वाला न्यूमेरिकल की है एग्जाम्स आ जाता है, आपा वेव फॉर्म देनी होंगी है आउटपुट वेव फॉर्म। सो ये नाल आपा कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर ले। सो अपना जो लॉजिक गेट्स वाला पार्ट है अज्ज दे लैक्चर दे नाल ही अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट लैक्चर च आपा अगली गल करांगे, अज्ज दे लई फिलहाल इन्ना ही। थैंक यू।